क्लोजर नोटिस, होटल जम्मू अशोक इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। इस तरह देखेंगे आप, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आईटीडीसी के द्वारा जम्मू मोटेल इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर करण सिंह, मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन September 9, 1972, भद्रा 18, 1894। डॉक्टर करण सिंह ने ठीक 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर की जो तारीख है, इस 9 सितंबर की तारीख को डॉक्टर करण सिंह ने इस होटल अशोक को इनॉग्रेट किया था और जम्मू के इतिहास के साथ होटल अशोक जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं आज क्लोजर नोटिस है, दरवाजे यहां के बंद हो चुके हैं और यह कह दिया गया है कि अब यह जमीन जो है जम्मू कश्मीर की सरकार के हवाले की जा रही है। आईटीडीसी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि होटल जम्मू अशोक आईटीडीसी होटल्स जो है उनमें से एक यूनिट है और ये उस जमीन पर बनाया गया था जिस जमीन को लीज पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने 1970 में दिया था 40 साल के लिए। 2010 में ये लीज एक्सपायर हुई और उसके बाद लगातार कोशिश थी आईटीडीसी की, जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ वो बातचीत करते रहे कि इस लीज को रिवाइव किया जाए, इस लीज को एक्सटेंड किया जाए। रिन्यूअल के लिए बड़ी कोशिशें की गई और ये कोशिशें 2007 से हो रही थी, लेकिन 20 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक चिट्ठी लिखी आईटीडीसी को और कहा गया कि जो लीज आपको दी गई थी 40 साल के लिए, उस लीज को हम रिन्यू नहीं करने वाले। और ये भी कहा गया, उसके बाद ये मामला आईटीडीसी के बोर्ड के सामने रखा गया। 27 मई 2020 को आईटीडीसी के बोर्ड की मीटिंग हुई और उस बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि मुकम्मल तौर पर तमाम जितने भी ऑपरेशंस हैं इस जम्मू होटल अशोक के, तमाम ऑपरेशंस बंद कर दिए जाएं और जितने भी मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें वॉलंटरीली रिटायर होने की इजाज़त दे दी जाए। और उन्हें साथ में ये भी कहा कि जो होटल अशोक है यहाँ पर ज़बरदस्त नुकसान आईटीडीसी को हो रहा था, इसीलिए जितने भी मुलाजमीन यहाँ पर काम कर रहे हैं उन तमाम मुलाजमीन को ये एक ऑप्शन दिया गया है कि वो वीआरएस ले लें, वॉलंटरी रिटायरमेंट लें और अब आज के बाद होटल अशोक काम करना बंद करेगा। उसके बाद ये भी बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार से ये रिक्वेस्ट करेगा कि बिल्डिंग और जो यहाँ प्लांट लगा हुआ है, जो मशीनरी लगी हुई है और जो बाकी एसेट्स हैं यहाँ पर, इन तमाम को जम्मू कश्मीर की सरकार ले और इसकी कीमत जो है वो आईटीडीसी को दे। ये भी आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि सितंबर 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह तय किया था कि इनकम्प्लीट होटल प्रोजेक्ट जो गुलमर्ग अशोक है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को दे दिया जाए। उसके अलावा सेंटर की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने ये तय किया था कि जो होटल गुलमर्ग अशोक का इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को दे दिया जाए। इसी तरीके से होटल पाटलिपुत्र अशोक पटना बिहार की सरकार को दिया जाए। अब मामला बेसिकली ये है कि डॉक्टर करण सिंह ने इस होटल को इनॉग्रेट किया था और इनिशियल जो 25 इन्वेस्टर थे जिन्होंने इस होटल की कंस्ट्रक्शन में और इस होटल के बनने में इन्वेस्ट करा था, उनमें डॉक्टर करण सिंह भी एक इन्वेस्टर थे और ये सरकार थी जीएम सादिक की, गुलाम मोहम्मद सादिक की सरकार थी 1970 में, कि उन्होंने यहाँ ये कीमती ज़मीन का टुकड़ा जो है वो आईटीडीसी को दिया था और उन्हें ये कहा था कि यहाँ पर एक खूबसूरत होटल बनाएं जिस होटल में देश विदेश से जो लोग जम्मू कश्मीर आए और जम्मू खास कर आए उनके रहने के लिए इंतज़ाम किया जा सके। तो उसके बाद इस होटल की इम्पोर्टेंस ये थी कि इस होटल के बिल्कुल सामने राजभवन है, यानी कोई भी अगर जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे उनका अगर कोई गेस्ट यहाँ आता तो उस गेस्ट के लिए होटल अशोक से ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन जगह कोई नहीं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये कि ये होटल अशोक चूँकि बिल्कुल राजभवन के सामने है तो यहाँ से वॉक करते हुए पैदल भी डिग्निटरीज राजभवन तक जा सकते थे। इसका इनॉग्रेशन जैसे मैंने आपको बोला डॉक्टर करण सिंह ने किया था। सालों तक ये होटल अशोक प्राइम मिनिस्टर्स को और इंटरनेशनल विजिटर्स को होस्ट करता रहा,
लेकिन अब सालों से इस होटल को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। उस नुकसान के चलते बहुत सारे और हंगामे भी हो रहे थे, लेकिन आज ये होटल अशोक जो है तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब होटल अशोक आज के बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसे किसी सरकारी बिल्डिंग में बदल दिया जाएगा या इसे सरकार एबंडन कर देगी, छोड़ देगी। जैसे बहुत सारी बिल्डिंगें जम्मू कश्मीर में ऐसी हैं जो बनी हुई हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिनकी तमाम चीज़ें खड़ी हैं, लेकिन वो उन बिल्डिंगों में कोई कामकाज नहीं हो रहा। अब इस बिल्डिंग का सरकार क्या करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो खूबसूरती और जिस तरीके से इस होटल को बनाया गया था, जो रखरखाव इस होटल का था, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बात कहना लाजमी है कि जम्मू में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और एक प्राइम प्रॉपर्टी, बड़ी प्राइज लोकेशन पर, प्राइम लोकेशन पर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आज से 17 तारीख से जो है उस प्रॉपर्टी में कामकाज बंद हो गया है। ये आप तक जानकारी पहुंचाएं और ये भी आपको बताएं कि कल से चूंकि ये सारा सिलसिला यहां पर बंद हो चुका है। ये होटल आप देख सकते हैं, ये आप ध्यान से देखिए, ये है होटल अशोक और ये होटल अशोक का ये होटल अशोक के बाहर वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अभी तक इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC के पास थी। ITDC ने के पास ये 40 साल की लीज पर थी, और 40 साल की लीज के बाद इस लीज को रिन्यू करना था, लेकिन ना नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार ने वो लीज रिन्यू करी, और उसके बाद ना ही BJP PDP सरकार ने उस लीज को रिन्यू किया। ये आप देख सकते हैं, ये वही होटल अशोक का लॉन है, ये वही खूबसूरत एरिया है जिस एरिया में आप लोग आते, बैठते और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ इस खूबसूरती को और यहाँ से आगे तवी के व्यू को एंजॉय किया करते थे। लेकिन अब ये वीरान है, और यहाँ पर तमाम जितना होटल अशोक के अंदर स्टाफ था उन्हें VRS दे दिया गया है, और अब ये प्रॉपर्टी, आप वैसे भी देख सकते हैं कि सूरत हाल ये बताती है कि प्रॉपर्टी अबेंडेंड है, इस प्रॉपर्टी में स्टाफ नहीं है, और अगर आप शक्ल सूरत देखेंगे उससे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि होटल अशोक जो है काफ़ी लंबे समय से जो ये होटल बंद है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस होटल का, अब इसे गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा या ये राजभवन को दे दिया जाएगा, या इसका, क्योंकि राजभवन का ऑलरेडी एक केस जो है वो चल रहा है जिसमें धर्मार्थ ट्रस्ट ने ऑलरेडी केस किया हुआ है, वो प्रॉपर्टी वापस मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो होटल अशोक का, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा। अब यहाँ घास उगी हुई है, लेकिन पहले ये पूरा एरिया बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ठीक राजभवन के सामने क्लोजर ऑर्डर्स कल यानी 17 जून को क्लोजर ऑर्डर्स इशू कर दिए गए हैं। होटल अशोक तारीख का हिस्सा बन गया है। अब आज के बाद होटल अशोक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, डिग्निटरीज आने पहले ही बंद हो गए थे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर अब यहां पर नहीं रुकेगा, लेकिन अब इसको इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर हमारी नजर रहेगी।